नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में पैट काइंड लैब द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जेवर के अधिकतर चिकित्सक मौजूद रहे। गत वर्ष की भांति आयोजित इस कार्यक्रम में मौसम बदलने के अवसर पर होने वाली बीमारियों और उनसे उत्पन्न इन्फेक्शंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पैट काइंड की ओर से आयोजित विचार गोष्ठी में डॉक्टर गुलजार अली ने रक्त जाँच के विषय में जानकारी दी। सबसे बेटर है साइटोलॉजी, उससे कम बेटर है पेट स्कैन MRI, फिर उसी के इक्विवेलेंट या उससे थोड़ा सा कम मानूंगा। बाकी के जितने टेस्ट हैं ये उनसे कैटेगरी में नीचे आएंगे। मैं इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर बने हुए एक निजी रेस्टोरेंट में हूँ, जहाँ पर पैट काइंड लैब द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और मेरे साथ हैं डॉक्टर गुलजार खान। उनसे मालूम करते हैं कि क्या उनका आज प्रयोजन था, किस लिए वो यहाँ पर आए। आज हमारा कंपनी की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम या CME कहते हैं हम उसको, जिसमें हमने फीवर, ट्रॉपिकल फीवर जो कॉमनली सीजनल फीवर है उसके बारे में, और TB के टेस्ट जो अवेलेबल हैं उसके बारे में, और कुछ थायराइड के बारे में हमने डिस्कस करा, और अपनी तरफ से बताने के अलावा डॉक्टर्स से जो हमारी क्वेरीज थी उनको रिजॉल्व करने का की कोशिश की, ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको, क्लिनिशियंस हैं, वो उनको पेशेंट केयर में हेल्प मिले। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर गुलजार खान, जो हमें बता रहे थे पैट काइंड लैब के बारे में कि क्या क्या उनकी खासियत है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जेवर के मोस्टली सभी मेन डॉक्टर्स उपस्थित हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कार्यक्रम था यहाँ, क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या कुछ उनकी समझ में। डॉक्टर साहब, क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? ये पैट काइंड का प्रोग्राम था, उसने टेस्ट के बारे में सारा कुछ डिटेल बताया इन्होंने हमें, और कौन कौन से फीवर में क्या क्या कराना चाहिए सारे टेस्ट के बारे में उन्होंने हमें बताया। देखो, जैसा आपने कहा ना, ऑथराइज और अनऑथराइज, तो जो अनऑथराइज है तो उसका कोई वजूद ही नहीं है, वजूद केवल ऑथराइज का है। जो चीज आपने अनऑथराइज कह दी, ना तो उसकी वजूद है ना कुछ उसकी उपयोगिता है। ऑथराइज लैब पर रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे और रीजनेबल चार्ज मिलेंगे आपको। क्या बाकी इन्होंने आज थायराइड और TB के बारे में जो बताया है, बाकी वायरल के बारे में भी, मुझे वायरल का प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा लगा जो आजकल के सीजन के हिसाब चल रहा है। जो आज डिस्कस हुआ है थायराइड का और उसका ही तो पहले ही डिस्कस हो गया था, मगर वायरल का पहली बार इन्होंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में अच्छा बताया, तो वो अच्छा लगा आज। नहीं, इसके जो है बहुत सारे फायदे हैं, नए नए टेस्टों की जानकारी भी मिलती है और जागरूकता होती है टेस्ट कराने के लिए, अवेयरनेस भी आई है। सेम डे रिपोर्टिंग भी है, अच्छी है, इनकी परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। सेम डे रिपोर्टिंग की व्यवस्था किसी लैब पे नहीं है जो जेवर में इनके पास है। रिपोर्टिंग बिल्कुल एक्यूरेसी होती है इनकी, यहाँ जो लैब खुली है उनकी कोई एक्यूरेसी नहीं है। और जब यहाँ आते हैं तो लगता है कि हमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, पेशेंट को क्वालिटी भी मिलती है, और पेशेंट को जैसे आप कह रहे थे कि अनऑथराइज लैब और ऑथराइज लैब में ये है कि क्वालिटी होती है, उसे रिपोर्ट सही आती है, लेकिन फैल रहा है इनका, मतलब अवेयरनेस आ रही है पब्लिक में, जो अनऑथराइज से ऑथराइज लैब की तरफ बढ़ रहे हैं पेशेंट्स। इस जागरूकता बैठक में रक्त जांच के बारे में बताने के अलावा डॉक्टर गुलजार अली ने बैठक में मौजूद डॉक्टरों के सवालों के जवाब दिए तथा उनके सामने आने वाली अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान किया। इसके साथ ही जेवर में पैट काइंड के कलेक्शन सेंटर के डायरेक्टर मोहित चौधरी ने अपने अनुभव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में ऑथराइज्ड लैब खुलने के बाद तथा रक्त जांच की सही जानकारी मिलने के बाद लोगों में शारीरिक जांच के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मेरा पैट काइंड के साथ जुड़े हुए लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। पैट काइंड के एक फैमिली मेंबर की तरह हम सब लोग साथ काम करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने देखा कि अब से मैं 1.5 साल पहले की बात करूं तो लोग अपने बॉडी चेकअप्स को लेकर बिल्कुल अवेयर नहीं थे, जो कि आज हम किसी पेशेंट से बोलते हैं कि आपको फुल बॉडी चेकअप कराना है तो वो चीज़ों को समझता है, और फुल बॉडी चेकअप
कराने के लिए तैयार होता है। अब से डेढ़ साल पहले पूछते थे तो पेशेंट हमसे ही क्वेश्चन रेज करता था कि सर ये फुल बॉडी चेकअप क्या होता है। हमारा पैथ का इनका जो कॉस्टिंग है वो रूरल एरिया के अकॉर्डिंग है और वो हमारा इंडिया में जो भी NABL लैब हैं या ऑथराइज लैब हैं उनके ज़्यादा नहीं है, इक्वल है और बल्कि कुछ लैब से कम है। तो ये थे हमारे साथ मोहित चौधरी जो हमें बता रहे थे कि पैथकाइंड किस तरह से लोगों के लिए बेहतर है और उचित दामों में किस तरह से हम सही सेवा प्रोवाइड करा रहे हैं। उदय चौधरी के साथ चंचल कुमार शर्मा जेवर प्रेस के लिए। सही कह रहे हो, हम लोगों ने ऑलमोस्ट अब 350 कलेक्शन सेंटर खोल चुके हैं, उनमें से एक हमारा जेवर का पैथकाइंड कलेक्शन सेंटर है। ऑलमोस्ट सारी बेसिक SOPs हम लोग इसमें कवर करते हैं जो एक स्टैंडर्ड कलेक्शन सेंटर की होनी चाहिए। पैथकाइंड कलेक्शन सेंटर जेवर वाला वो हमारी सारी SOPs को कवर कर रहा है ना। और हमारा जो मोटिव है वो कम से टायर 2 टायर 3 टाउन्स में बेसिक सुविधाओं को पहुँचाना है जो जेवर कलेक्शन सेंटर हमारा पहुँचा रहा है।